सेना के संस्थापक लोकेंद्र सिंह कालवी आज अपने अल्प प्रवास पर गुना पहुंचे, जहां उन्होंने समाजजनों के साथ मुलाकात की, वहीं पत्रकारों के सवालों के जवाब भी दिए। कालवी ने कहा कि जिस तरह से पद्मावत फिल्म बनाकर इतिहास के साथ खेला गया, इस तरह की पुनरावृत्ति कभी भी माफ नहीं की जाएगी। वहीं उन्होंने कहा कि इतिहास में जिन महान विभूतियों को छूना तो दूर, उनको देख भी नहीं पाए, उनके बारे में इस तरह से पिक्चर में दिखाया गया है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि राजपूत समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ है, लेकिन उन्हें भी इस बार राजपूत समाज ने वोट न देकर चुनाव हरवा दिया। कालवी ने माना कि इस बार राजपूत समाज के कई लोगों को टिकट मिलने वाला है और वह सभी के लिए पुरजोत मेहनत करने को भी तैयार है। अगर भोपाल में हम इकट्ठा हो रहे हैं तो इसी चीज को लेकर के ऐसा फिर नहीं होगा। ये सारी चीजों को लेकर प्रजातंत्र में से कटाई से नहीं, गिनाई से तय होता है। हमारे बुजुर्गों ने जो इतिहास रचा है खून से सना, उस पर कालिक पोतने का षड्यंत्र पिछले वर्षों से लगातार। इन्हीं सब चीजों को लेकर हम भोपाल की धरती पर एक बड़ा आयोजन करने के महाराणा प्रताप की छत्र छाया है। महाराणा प्रताप जयंती आ गई है, 16 जुलाई 16 थी, तब 2.5 साल पहले चुनाव थे और 2.5 साल बाद चुनाव थे। तब तो आपने ये सवाल नहीं किया था, आपने तब मदद दी क्यों बिना चुनाव की। चुनाव के समय हम कौन सा कांग्रेस बीजेपी होने वाले हैं, और चुनाव के कारण अगर इन बातों पर कुछ फैसला आ सके तो अच्छी बात है कि चुनाव है और उसमें हम मजबूती से खड़े हैं। क्या दिक्कत है इसमें, चुनाव नहीं होने चाहिए? मैं तो कह रहा हूं अगर इस कारण से, इस जनता के दबाव से अब फैसला नहीं हो सकता, इस पर अधिसूचना जारी हो गई है, कोई फैसला नहीं हो सकता, आप पद छोड़ देना, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और इसलिए मैंने भारतीय जनता पार्टी का नाम लिया कि गुलामी की हद तक राजपूत समाज उधर समर्थक है और अभी इस बार भारतीय जनता पार्टी को ही वोट की चोट देकर उन्होंने सबक भी सीखा। इस चुनाव में हुआ है, किस किसने दिया, सपा ने दिया, ब्राह्मण ने दिया, आपको छेड़ा गया है, ठीक से पढ़ाया नहीं है, तो उसके लिए आप कुछ प्रयास करेंगे कि क्या? देखिए, फिल्मों के माध्यम से जो कुछ भी हो रहा है उल्टा सीधा, उसके लिए हमने प्री सेंसर बोर्ड की मांग करी और सौभाग्य से अभी अब 1.5-2 महीने चुनाव में से नहीं हो पाएगा। चुनाव के बाद में एक दिन आपसे फिर अगर देश के प्रधानमंत्री या सूचना प्रसारण मंत्री के साथ फोटो आए, वो फोटो होगी। एक प्री सेंसर बोर्ड हो जहां ऐतराज हो, जाति समाज धार्मिक संस्थाओं को ऐतराज हो। सेंसर बोर्ड फिल्म पूरी होने के बाद काम करता है और ऐतिहासिक तथ्यों से विश्लेषण करने का अधिकार उसको नहीं है।